आपको सफल होने के लिए सही मार्ग पता है या फिर आप सफलता का मार्ग को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आप सफल होने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता का एक सही मार्ग क्या है। कई लोगों को रास्ता तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आप जब भी सीढ़ी चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। आप ऐसा नहीं करते हैं कि सबसे पहली सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर अगला कदम चौथी या पांचवी सीढ़ी पर रखा, क्योंकि आपको पता है ऐसा करने से आप गिर जाएंगे। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप यही गलती करते हैं। आप पहले की बात तीसरी, चौथी या पांचवी पर कदम रखना चाहते हैं और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने का सही मार्ग और सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे तो आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस सर्कल को आप ध्यान में रखकर इस सर्कल की एक एक बातों को हम डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ज्ञान का होना और आपको क्या करना है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन किस चीज का ज्ञान? आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए आपको ये क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना एक लक्ष्य बनाएंगे तो अपने आप से पूछिएगा कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है या फिर एक सिंगर बनना है? आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अभी और इसी वक्त अपने आप से पूछिए कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। अब यही पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे लोग तो दूसरे के चक्कर में आकर अपना क्यों वाला आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त ये करने जा रहा था और इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्त ने मुझे ये करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे माता पिता ये चाहते हैं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और उनका क्यों का जवाब इस प्रकार से होता है। आप कभी भी अस्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप दूसरों के प्रेशर में आकर इस काम को करते हैं। कुछ समय तो आप इसे करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन कामों में मजा आना बंद हो जाता है और आप काम करना बंद कर देते हैं। जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसीलिए कर रहे हैं या इसीलिए करेंगे क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, क्योंकि इससे आपको पैसा कमाना है और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले याद रखें कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें उससे सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस बात को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए आपको भूख लगती है और आपको मैगी बनाना है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको मैगी बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आता है
आपको इसकी योग्यता होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे कैसे बनाना है। अब मैगी पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं और उसे बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जीवन मैगी की तरह नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। आपको जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करना है तो उतना ज्यादा समय आपको लगता है अपनी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जैसे कि MBBS करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, BE करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, BCOM या BSc करना है तो 3 से 4 साल लगेगा। लेकिन यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी योग्यता पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको कितना साल लगेगा। तो इसका मतलब क्या और क्यों पता होने के बाद भी इसका पता होना बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप कैसे करेंगे और अपनी योग्यताओं को डेवलप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये 2 स्टेप काम नहीं करेंगे यदि आप 3rd स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। तो चलिए 3rd स्टेप जानते हैं। 3rd स्टेप है उस काम में आपकी इच्छा होना। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम करने का मन या काम करने का इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों, आप मोटिव प्लस एक्शन का होना भी बहुत जरूरी है, और उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर उस इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन को पता था कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और उन्हें कैसे करना है, और वो बहुत समय तक कर भी रहे थे लेकिन बहुत बहुत बार फेल हो रहे थे, और वही पर काम किया उनकी इच्छा शक्ति ने। यदि उनकी इच्छा शक्ति मर जाती तो वो कभी भी बल का आविष्कार नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 स्टेप्स को जरूर याद रखें। पहला, ज्ञान का होना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है और क्यों करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, योग्यता का होना। योग्यता प्राप्त करने के बाद आपको कैसे करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ज्ञान और योग्यता के बाद आता है कि आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपका इच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और ऐसे ही शिक्षा प्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।